आज की रात हर दिशा में अभिसार के संकेत क्यों हैं? हवा के हर झोंके का स्पर्श सारे तन को झनझना क्यों जाता है? और ऐसा क्यों लगता है कि यदि और कोई नहीं तो ये दिगंत व्यापी अंधेरा ही मेरे शिथिल अधखुले गुलाब तन को पी जाने के लिए तत्पर है? और ऐसा क्यों भान होने लगा है कि मेरे ये पांव, माथा, पलके, होंठ, मेरे अंग अंग जैसे मेरे नहीं है, मेरे वश में नहीं है, बेबस। एक एक घूंट की तरह अंधेरे में उतरते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। और भय, आदिम भय, तर्कहीन, कारणहीन भय, जो मुझे तुमसे दूर ले गया था, बहुत दूर, क्या इसीलिए कि मुझे दुगने आवेग के साथ तुम्हारे पास लौटा लावे? और क्या ये भय की कांपती उंगलियां हैं जो मेरे एक एक बंधन को शिथिल करती जा रही हैं और मैं कुछ नहीं कह पाती? मेरे अधखुले होठ कांपने लगे हैं और कंठ सूख रहा है और पलकें आधी मुंद गई हैं और सारे जिस्म में जैसे प्राण नहीं है। मैंने कसकर तुम्हें जकड़ लिया है और जकड़ती जा रही हूँ और निकट और निकट, कि तुम्हारी सांसें मुझ में प्रविष्ट हो जाएं, तुम्हारे प्राण मुझ में प्रतिष्ठित हो जाए, तुम्हारा रक्त मेरी मृतप्राय शिराओं में प्रवाहित होकर फिर से जीवन संचरित कर सकें। और यह मेरा कसाव निर्मम है और अंधा और उन्माद भरा, और मेरी बाहें नागवधू की गुंजलक की भांति कसती जा रही है और तुम्हारे कंधों पर, बाहों पर, होठों पर नागवधु की शुभ्र दंत पंक्तियों के नीले नीले चिन्ह उभर आए हैं और तुम व्याकुल हो उठे हो। धूप में कसे अथाह समुद्र की उत्ताल विक्षुब्ध हैहराती लहरों के निर्मम थपेड़ों से छोटे से प्रवाल द्वीप की तरह बेचैन उठो मेरे प्राण, और कांपते हाथों से ये वातायन बंद कर दो। ये बाहर फैला फैला समुद्र मेरा है, पर आज मैं उधर नहीं देखना चाहती। ये प्रगाढ़ अंधेरे के कंठ में झूमती ग्रहों, उपग्रहों और नक्षत्रों की ज्योतिर्माला में ही हूँ, और असंख्य ब्रह्मांडों का, दिशाओं का, समय का अनंत प्रवाह मैं ही हूँ। पर आज मैं अपने को भूल जाना चाहती हूँ। उठो और वातायन बंद कर दो, कि आज अंधेरे में भी दृष्टियां जाग उठी हैं और हवा का आघात भी मांसल हो उठा है, और मैं अपने से ही भयभीत हूँ।